गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हम भारतीय ज्योतिष के अंतर्गत गणित ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। आपके सिलेबस या पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग यह क्लास संचालित हो रही है। आज का हमारा टॉपिक है नवग्रह स्पष्ट करने की विधि। तो देखिए, जिस इष्ट काल की जन्म पत्रिका बनानी है ना, जन्म पत्रिका बनाने के लिए हमें इष्ट काल निकालना होता है ना, इष्ट काल निकालना होता है। और फिर इष्ट काल निकालने के पश्चात अगर हमें नवग्रह स्पष्ट करना है, ठीक है ना, तो जिस इष्ट काल, जो आपने इष्ट काल निकाला, उस इष्ट काल की जन्म पत्री बनाने के लिए नवग्रह आदि स्पष्ट करने अति आवश्यक है, ठीक है। तो जिस इष्ट काल की जन्म पत्रिका बनानी हो, उसके ग्रह स्पष्ट जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि ग्रह के स्पष्ट मान के बिना है ना, क्योंकि ग्रहों के स्पष्ट मान के बिना फलादेश ठीक से नहीं किया जा सकता है। और ग्रह के स्पष्टीकरण का तात्पर्य ग्रहों के राशि आदि मानों से है ना, कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, कितने अंश पर है, कितनी उसकी कला है, कितनी उसकी विकला है, ठीक है ना। तो कुंडली के द्वादश भावों में ग्रहों को स्थापित करने के लिए ग्रहमान होना अति आवश्यक। अगर हमारे पास ग्रहमान नहीं होगा तो हम उसे कुंडली के द्वादश भावों में किस प्रकार स्थापित कर पाएंगे। हमें राशि मालूम नहीं, अंश मालूम नहीं, कला मालूम नहीं, विकला मालूम नहीं, तो हम कुंडली के द्वादश भावों में ग्रहों को स्थापित नहीं कर पाएंगे। और प्रत्येक कुंडली के लिए है ना, जन्मांग चक्र के पूर्व ग्रह स्पष्ट चक्र लिखना अति आवश्यक होता है या अनिवार्य होता है। चंद्रमा को छोड़कर बाकी के ग्रहों की स्पष्ट करने की तकनीक या विधि एक समान है ना। चंद्रमा को स्पष्ट करने का तरीका अलग होता है ना, और चंद्रमा को छोड़कर बाकी आठों ग्रह को स्पष्ट एक ही तकनीक से किया जा सकता है। देखिए, पंचांगों में ग्रह स्पष्ट की पंक्ति रहती है ना, ग्रह स्पष्ट किए हुए रहते हैं पंचांग में, एक पंक्ति रहती है ग्रह स्पष्ट की। लेकिन किसी पंचांग में अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा की पंक्तियां रहती है, और किसी पंचांग में मिश्रमान कालिक या प्रातः कालिक ग्रह स्पष्ट की पंक्तियां रहती। अब उसके अनुसार अपने को ग्रह स्पष्ट करना होता है ना। लेकिन उन पंचांगों में दैनिक मिश्रमान कालिक या प्रातः कालिक ग्रह स्पष्ट की पंक्तियां रहती है। अब देखिए क्या है कि अगर आपके पंचांग में दैनिक मिश्रमान कालिक या प्रातकालिक ग्रह स्पष्ट की पंक्तियां उपलब्ध है, तो उसके अनुसार मिश्रमान और इष्ट काल है ना। अगर दैनिक मिश्रमान कालिक या प्रातःकालिक ग्रह स्पष्ट की पंक्तियां आपके पंचांग में अगर हो, तो प्रातःकाल और इष्ट काल का
अंतर कर लीजिए, है ना, प्रातः काल और इष्ट काल का अंतर कर लीजिए, या फिर मिश्रमान और इष्ट काल का अंतर कर लीजिए, है ना, मिश्रमान कालिक है तो मिश्रमान और इष्ट काल का अंतर कर लीजिए, और अगर प्रातः कालिक है तो प्रातः काल और इष्ट काल का अंतर निकाल लीजिए, और उसे दैनिक ग्रह गति से गुणा कर दीजिए, और उसे दैनिक ग्रह गति से गुणा कर दीजिए और उसमें 60 का भाग दे दीजिए, ठीक है। अंतर करने के बाद दैनिक ग्रह गति से गुणा करके उसमें 60 का भाग देना है, है ना, और 60 का भाग देने पे जो अंश कला विकला रूप फल आएंगे, 60 का भाग देने पे अंश कला और विकला रूप जो फल हमें प्राप्त होंगे उसे मिश्रमान कालिक या प्रातः कालिक ग्रह स्पष्ट पंक्ति में ऋण चालन ऋण या धन, है ना, ऋण या धन करने पर इष्टकालिक ग्रह स्पष्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या करना है, ग्रह स्पष्ट पंक्ति में ऋण या धन करने पर घटाने या जोड़ने पर इष्टकालिक ग्रह स्पष्ट हमें प्राप्त हो जाते हैं, परंतु क्या होता है बहुत से पंचांगों में साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट पंक्ति दी हुई होती है, बहुत से पंचांगों में दैनिक ग्रह स्पष्ट पंक्ति नहीं होती है, ना, बहुत से पंचांगों में दैनिक ग्रह स्पष्ट पंक्तियां उपलब्ध नहीं होती है और यह पंक्तियां साप्ताहिक होती है, ठीक है ना। तो जिन पंचांगों में साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट पंक्ति होती है उनके अनुसार यदि पंक्ति इष्ट समय से आगे की हो, जो बालक के जन्म के समय का जो हमने इष्टकाल निकाला है ना, इष्टकाल से ग्रह पंक्ति यदि आगे की हो तो पंक्ति के वार घटी पलों में से इष्टकाल के वार घटी और पलों को घटा लिया जाता है ना, और जो शेष मिलता है उसे क्या कहते हैं, ऋण तुल्य चालन, क्या कहते हैं, ऋण तुल्य चालन, ठीक है ना। और यदि पंक्ति पीछे की हो, पंक्ति पीछे की हो और इष्टकाल आगे का हो, वो इष्टकाल के वार घटी पलों में से, है ना, पंक्ति के वार घटी पलों को क्या कर लेना चाहिए, घटा लेना चाहिए, है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं धन चालन, है ना, इसको धन चालन कहा जाता है ना। यदि इष्टकाल क्या है, इष्टकाल आगे का हो और पंक्ति पीछे की हो, तो इष्टकाल के वार घटी पल में से, है ना, पंक्ति के वार घटी पलों को घटा लेना चाहिए, यह प्रक्रिया धन चालन कहलाती है। अब देखिए यह ऋण चालन और धन चालन हमने क्या किया, इस तरफ है ऋण चालन और धन चालन हमने किया, तो यह ऋण चालन और धन चालन को पंचांग में दी गई ग्रह गति से गुणा करना चाहिए। यह ऋण चालन और धन चालन से जो हमें मान प्राप्त हुए हैं उसे पंचांग में दी गई ग्रह गति से गुणा करना चाहिए, और गुणा करने पर जो अंशादि मान आए, गुणा करने के बाद जो अंशादि मान हमें प्राप्त होते हैं उन्हें धन या ऋण चालन के अनुसार, उन्हें धन या ऋण चालन के अनुसार पंचांग में स्थित ग्रहमान में, पंचांग में स्थित ग्रहमान में जोड़ने या घटाने पर ग्रह स्पष्ट या स्पष्ट ग्रह हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए कुछ ग्रह जैसे राहु और केतु, यह वक्री ग्रह माने जाते हैं, उनकी गति वक्र गति मानी जाती है, ठीक है ना। तो वक्री ग्रह राहु और केतु के लिए सर्वदा ऋण चालन में आगत अंशादि फल को जोड़ना होता है, ऋण चालन में आगत अंशादि फल को जोड़ना होता है,
और धन चालन में आगत अंशादि फल को घटाना होता है जिससे हमें स्पष्ट ग्रह प्राप्त हो सकते हैं। अब ये जो मैंने बताया ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको जब तक हम उदाहरण से समझने की चेष्टा नहीं करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसको उदाहरण से हम एक उदाहरण कंसिडर करते हैं और उस उदाहरण से हम इस तथ्य को समझने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि ग्रह स्पष्ट का ज्योतिष में बहुत महत्व है। ग्रह स्पष्ट के बिना हम कुंडली निर्माण नहीं कर सकते, हमें ग्रहों के मान ही प्राप्त नहीं होंगे तो हम कुंडली में ग्रहों को कैसे स्थापित करेंगे, है ना। कुंडली में ग्रहों को स्थापित नहीं किया जा सकता है ग्रह स्पष्ट के बिना, और ग्रह स्पष्ट चक्र को जन्मांग चक्र के पहले बनाया जाता है ना। तो ये जो ये कुंडली निर्माण के क्रम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यद्यपि आजकल ज्योतिष की गणनाएं सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है, मार्केट में कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं और सारा कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर में हो जाता है, तो ज्योतिष गणित करना आजकल बहुत कम कर दिया है लोगों ने, तो ये गणित लगभग एक भूनिश विद्या हो गई है, क्योंकि क्या है मोबाइल में इस तरह के एप्स, बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें क्या होता है डेटा फेड कर दिया जाता है, आपका जन्म का समय, जन्म स्थान और अंग्रेजी तारीख, ये इतना डाटा फेड करने में वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है, उसको कंप्लीट कर देता है और आपकी जन्म पत्रिका आपके सामने आ जाती है। लेकिन एक जन्म पत्रिका के निर्माण में कितना कैलकुलेशन करना होता है, हमें कितने कंटेंट्स को निकालना होता है, यह समझना अति आवश्यक है। जन्म पत्रिका निर्माण इतना आसान नहीं है, एक जन्म पत्रिका के निर्माण में एक छोटी कॉपी पूरी भरा जाएगी, इतना कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है ना। तो इस गणित को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इस गणित के महत्व को नहीं समझेंगे हम ग्रहों की प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे और इस संपूर्ण विद्या को गहराई से नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए गणित का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर आपको गणित का ज्ञान नहीं है तो आप फलित अच्छे से नहीं कर सकते। फलित की शुद्धता के लिए गणित का संपूर्ण ज्ञान अति आवश्यक है, और ये बहुत अच्छा मौका है कि आपके पाठ्यक्रम में ये गणित ज्योतिष का पूरा पार्ट दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझने की चेष्टा कीजिए। अब अपन एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने जो एग्जाम्पल कंसीडर करना है, हम एग्जाम्पल एक कंसीडर करते हैं। विक्रम संवत 2001 वैशाख शुक्ल सोमवार, है ना। विक्रम संवत 2001 वैशाख शुक्ल द्वितीया सोमवार, अंग्रेजी तारीख 24 अप्रैल, ठीक है। इस दिन बालक का जन्म होता है और हमने इष्टकाल निकाल लिया है, है ना। और इष्टकाल क्या है, ये इष्टकाल हो गया तेईस घटी 22 पल, यह इष्टकाल है, ठीक है। 23 घटी और 22 पल, यह हमने इष्टकाल कैलकुलेट किया, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड समय बर्थ टाइम था, बर्थ टाइम से हमने इसका इष्टकाल कैलकुलेट किया, और इसकी प्रक्रिया हम पूर्व में बता चुके हैं। इष्टकाल निकालने के पांचों नियमों को हम विस्तार पूर्वक समझा चुके हैं, है ना। तो अब देखिए
हमें इस इष्टकाल के ग्रह स्पष्ट करने हैं, है ना। हमारा एम क्या है, तो ये इष्टकाल हमारे पास दिया हुआ है, हम गुरु में निकाल चुके हैं, तो इस इष्टकाल के हमें ग्रह स्पष्ट करने हैं, ग्रहों के मान निकालने हैं। अब देखिए पंचांग में वैशाख शुक्ल पंचमी शुक्रवार, है ना, पंचांग में वैशाख शुक्ल पंचमी शुक्रवार इष्टकाल 551 की ग्रह स्पष्ट पंक्ति दी हुई है ना, पंचांग में ग्रह स्पष्ट पंक्ति दी हुई है, लेकिन यह ग्रह स्पष्ट पंक्ति कब की है, तो पंचमी शुक्रवार की है, जबकि बालक का जन्म कब हो रहा है, बालक का जन्म है द्वितीय सोमवार का, द्वितीय सोमवार का बालक का जन्म है, और पंचांग में जो ग्रह पंक्ति दी हुई है यह ग्रह पंक्ति कब की है, तो यह पंचमी शुक्रवार की है, और किस इष्टकाल की है, तो 551 इष्टकाल की यह ग्रह पंक्ति पंचांग में दी हुई है ना, 551 इष्टकाल की ग्रह पंक्ति हमारे पास पंचांग में उपलब्ध है। अब यहां देखिए इष्टकाल से ग्रह पंक्ति आगे की है ना, इष्टकाल से ग्रह पंक्ति आगे की है, क्योंकि इष्टकाल सोमवार का है और ग्रह पंक्ति शुक्रवार की है ना, तो जाहिर है ग्रह पंक्ति इष्टकाल से आगे की, ठीक है ना। तो क्या होगा, ग्रह पंक्ति में से इष्टकाल को घटाना होगा, तो ग्रह पंक्ति आगे की है इसलिए उसमें से इष्टकाल को क्या करना होगा, हमें घटाना होगा, ठीक है। तो हम इस क्रिया को करेंगे तो यह क्रिया क्या होगी, ऋण संस्कार, क्रिया को हम क्या कहेंगे, ऋण संस्कार, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए पंक्ति के वार घटी और पल, हम यहां लिखते हैं पंक्ति के वार घटी और पल, पंक्ति के वार घटी पल, है ना, पंक्ति के वार घटी पल, तो हम ये लिखेंगे यह पंक्ति के वार घटी पल है, पंक्ति का इष्टकाल क्या है, इष्टकाल क्या है, और यहाँ हमने छह क्यों लिखा है, छह इसलिए लिखा है यहाँ क्योंकि पंक्ति शुक्रवार की है, पंक्ति कब की है, शुक्रवार की है, हम वार का प्रारंभ कहां से करते हैं, रविवार से वार का प्रारंभ करते हैं, तो रविवार को एक माना जाएगा, बुधवार को चार माना जाएगा, है ना, बुधवार को चार, गुरुवार को पांच और शुक्रवार को छह माना जाएगा, तो इसलिए शुक्रवार है इसलिए हमने यहाँ छह लिखा है ना, तो छह क्या है, वार है, छह क्या है, वार है, ये घटी है और ये पल, तो पंक्ति के वार घटी और पल ये होता है, ठीक है। उसके बाद इष्टकाल के वार घटी पल, या आपका इष्टकाल, इष्टकाल है ना, ये वार घटी पल, ये क्या हो गया, देखिए तो इष्टकाल कब का है, तो इष्टकाल आपका सोमवार का है, तो सोमवार के लिए हम यहाँ दो अंक का यूज करेंगे, तो दो और घटी पल कितना है उसका, 23-22 है ना, 23-22 इष्टकाल के बार घटी पल हमने अंकित कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए कि पंक्ति क्या है, पंक्ति आगे की है ना, तो ग्रह पंक्ति में से इष्टकाल को घटाना, पंक्ति आगे की है तो ग्रह पंक्ति में से हमें क्या करना है, इष्टकाल को हमें घटाना है ना, तो ग्रह पंक्ति में से हम इष्टकाल को घटाते हैं, तो देखिए पंक्ति इसमें से इष्टकाल को घटाएंगे, ये माइनस किया हम यहाँ देखिए है ना, पंक्ति में से इष्टकाल को हम घटा देंगे, तो यहाँ घटाने की प्रक्रिया हम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे है ना। अब एक पंक्ति को और समझिए यहाँ पे, जो पंचांग में पंक्ति है ना, उस पंक्ति को, पंक्ति का मैं उल्लेख करता हूँ ताकि आपको यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो पंक्ति का मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ, ये तो समझ आ गया, पंक्ति के वार घटी पल क्या है, 6-5-52 और इष्टकाल के वार घटी पल है ना, 2-23-22, ठीक है। अब यहाँ पे
पंक्ति का एक चित्र बना के मैं इसकी व्याख्या करना चाहूंगा। पंक्ति को समझना आवश्यक है आपके लिए। तो देखिए पंक्ति किस तरफ से दी हुई है यहाँ पे, तो देखिए ये ग्रह, ये ग्रह पंक्ति में क्या है, ग्रह दिए हुए हैं, है ना। और ग्रह में ये आपका सर्वप्रथम सूर्य, सूर्य मंगल बुध, ये आपका हो गया गुरु, ये हो गया आपका शुक्र, ये हो गया आपका शनि, ये हो गया राहु, और ये हो गया आपका केतु, ठीक है ना। ये आपके क्या हो गया, ग्रह हो गया सूर्य मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, ये आपके ग्रह हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें आपको चंद्रमा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का सिस्टम अलग है ना। चंद्रमा के लिए ग्रह स्पष्ट करने का तरीका इससे भिन्न है, वो अपन बाद में बताएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे दूसरे कॉलम में अपन लिखते हैं राशि, है ना, राशि, ठीक है, राशि। तो अब यहाँ राशि, ये ग्रह स्पष्ट पंक्ति आपको पंचांग में दी हुई मिलेगी, यहाँ मैं बना के बता रहा हूँ, क्योंकि आगे के कैलकुलेशन को समझने के लिए पंक्ति का समझना जरूरी है। तो राशि देखिए, यहाँ पे ये राशि जीरो है ना, अंश राशि, अंश ये कला और ये बी तक, है ना, राशि अंश कला और विकल्प, तो देखिए आपको समझने की चेष्टा कीजिए। तो देखिए सूर्य राशि क्या आ रही है, मेष राशि, है ना, सूर्य मेष राशि, 13 अंश 43 कला और 22 भी कला, है ना। ये सूर्य का दिया हुआ है ना पंचांग में, और ये पंचांग क्या दिखाता है आपको, तो वैशाख शुक्ल पंचमी है ना शुक्रवार, और 551 घटी और पल, ये ग्रह स्पष्ट इसमें दिए हुए है ना। ये ग्रह स्पष्ट कब के हैं, तो वैशाख शुक्ल पंचमी और घटी पल 551, ठीक है ना, उनके ग्रह स्पष्ट यहां दिए हुए। मंगल का देखिए तो 3, 8, 54, 50, और ये 9, 8, 54 and 50, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये पंचमी शुक्रवार को इष्ट काल 551 के ग्रह स्पष्ट पंचांग में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो सूर्य दिया हुआ है, ये सूर्य क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, मेष राशि 13 अंश 43 कला और 22 भी कला, ठीक है ना। तो ये सूर्य पूरी ग्रह मेष राशि में गोचर कर रहा है, तात्पर्य क्या हुआ कि पूरी ग्रह मेष राशि में गोचर कर रहा है, क्योंकि एक राशि के अंदर कितने 30 अंश होते हैं, जब वो 30 अंश पार कर लेगा तब अगली राशि में वो ग्रह प्रवेश करेगा, लेकिन अभी वो 13 अंश पर ही है, जब ये 30 अंश पार कर लेगा
वो अगली राशि में प्रवेश करे, इसलिए अभी इसको मेष नहीं कहा जाएगा। मंगल, मंगल क्या है, मेष और वृषभ दो राशियां पार कर चुका है ना, और तीसरी राशि के तेईस अंश में मंगल उपस्थित है, तीसरी राशि के तेईस अंश में मंगल उपस्थित है ना, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, मिथुन। मंगल मिथुन राशि में है, मंगल किसमें है, मिथुन राशि में कहा जाएगा कि मंगल अभी मिथुन राशि में, ठीक है ना। बुध, बुध कौन सी राशि में कहा जाएगा, तो बुध मेष राशि में कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति देखिए यहाँ बृहस्पति ग्रह तीन राशि पार कर चुका है और चौथी राशि के चौथे अंश में चल रहा है, तो यहाँ बृहस्पति कर्क का कहा जाएगा, बृहस्पति कर्क का कहा जाएगा, शुक्र यहाँ मीन का कहा जाएगा, शनि मिथुन का कहा जाएगा, और राहु, राहु का जो रिवर्स सिस्टम होता है राहु और केतु का, ठीक है ना, ये रिवर्स पैटर्न में चलते हैं। अब यहाँ क्या करना है, देखिए देखो ये पंक्ति के वाराजी क्या है, पंक्ति के वाराजी 6551 है ना, 6551 पंक्ति के वाराजी है, और इसमें से इष्ट काल के वाराजी जो मैं कुंड में लिखे थे, पंक्ति के वाराजी हैं आपके 6551, और इष्ट काल के वाराजी क्या हो रहे हैं आपके, इष्ट काल पक्का है सोमवार का है, सोमवार के यहाँ है और 23 भटी है और 22 फल है ना, तो इनको अपन माइनस करेंगे, है ना, इनको माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 29, 42 और 3, ये प्राप्त हुआ। और ये जब ये जो प्रक्रिया है इसको हम ऋण चालन कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम ऋण चालन कहते हैं, क्योंकि पंक्ति इष्टकाल से आगे की दी हुई है, ठीक है ना, पंक्ति इष्टकाल से आगे की दी हुई है, इसलिए पंक्ति के वार घटी और पलों में से इष्टकाल के वार घटी और पलों को हमने घटाया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ समझ लीजिए ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी कैसे हो रहा है उसको भी जान लीजिए, 51 में से 22 माइनस हुआ है तो 29 हमें प्राप्त हुआ है ना, जनरल सब्ट्रैक्शन है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए कि यहाँ पे 5 में से 23 को घटाना है ना, 5 में से 23 को घटाना है, तो 5 में से 23 को घटाए नहीं जा सकते है ना, 5 में से कैसे घटाओगे 23, तो हमने क्या किया कि यहाँ से जोड़ो करते हैं, ठीक है ना, तो 60 हो जाते हैं, तो 65 में से को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो 42 आते हैं, और यहाँ 6 ये 5 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आते हैं यहाँ, ठीक है ना, ये इसका प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो पूर्व में कई बार बता चुके हैं आपको। अब अपन बात करते हैं ग्रहों की गति की, है ना, ग्रहों की गति की बात करते हैं, तो ग्रहों की दो तरह की गतियां, एक गति मार्गी और दूसरी गति वक्री, तो पंचांग में हमें ग्रहों की गति को भी देखना आवश्यक है ना, तो पंचांग में जिस जहां पे इस तरह की पंक्ति दी हुई होती है उसमें गति का भी उल्लेख होता है, ठीक है ना, गति का उल्लेख होता है और इस तरह से उल्लेख होता है, मैं इसको इस टेबल को आगे बढ़ा के बताता हूँ, देखिए गति, यहाँ एक कॉलम होता है गति, है ना, ये कॉलम होता है गति। अब यहाँ पे सूर्य की गति अगर मार्गी है, सूर्य अगर अपने पाथ के ऊपर ही चल रहा है ना, ऑनवर्ड डायरेक्शन में, और एक रिवर्स डायरेक्शन होता है, ऑनवर्ड और रिवर्स, है ना, तो उसको बोलेंगे अपन मार्गी, क्या बोलेंगे, मार्गी, है ना, सूर्य की गति मार्गी है, मंगल की गति भी मार्गी कहेंगे, और बुध अगर इस पंचांग के अंदर लिखा हुआ है कि बुध की गति अगर वक्री है, तो यहाँ पे ये वक्री लिखा हुआ है, वक्री, ठीक है, वक्री इसको लिखा हुआ, आपको वक्री इस तरह से वक्री लिखा हुआ रहेगा, फिर ये मार्गी, गुरु मार्गी, शुक्र मार्गी, है ना, शनि मार्गी, और राहु, राहु केतु, तो राहु केतु की गति तो
रिवर्स होती है ना, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से यहाँ गति, गति को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया है ना, ग्रहों की गतियों को पंचांग में इस तरह से डिफाइन किया हुआ रहता है। अब यहाँ पे जो गति है वो गति किस तरह की है, उसके गति के कला और विकला दोनों का भी यहाँ उल्लेख होता है ना, कि पर्टिकुलर इष्टकाल के समय, पर्टिकुलर जैसे जैसे शुक्रवार पंचमी है ना, शुक्रवार पंचमी और उसका इष्टकाल है 551, तो उस टाइम के ऊपर ग्रहों की गति क्या होगी उसका उल्लेख पंचांग के अंदर होता है और उसका हमें कैलकुलेशन में उपयोग करना रहता है, ठीक है ना। तो वहां पे गतियां लिखी हुई रहेगी, कैसे लिखी हुई रहेगी, कि ये कला, यहाँ कला का कॉलम होता है पंचांग के अंदर और यहाँ नीचे एक भी कला का कॉलम होता है, भी कला। ठीक है ना, अब इसमें इस तरह से गति लिखी रहती है, तो देखिए 58 12, ठीक है, मतलब सूर्य की गति, सूर्य की गति क्या होगी, 58 कला और 12 कला है ना। सूर्य की गति उस दिन पंचमी शुक्रवार इष्टकाल 551 के समय सूर्य की गति होगी 58 कला और 12 कला, ठीक है। मंगल की गति 24 28 है ना, ये मंगल की गति। बुध की गति 17 39 है ना, बुध वक्री चलता है ना, तो इसके जो ये अंश कला विकला है ये घटते चले जाएंगे, है ना। अब आप जैसे पंचमी का देखिए, फिर उसके बाद षष्ठी सप्तमी अष्टमी का देखेंगे ना, तो इसके अंश निरंतर क्या होते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे इसके अंश, क्योंकि इसकी गति वक्री होती है, उस समय अंश निरंतर घटते हैं। फिर जिस तारीख को या जिस तिथि को वो मार्गी होता है तो पंचांग में अंकित रहता है कि इस वहां पे लिखा हुआ रहता है मार्गी, है ना। तो उस तारीख के बाद फिर उसके अंश कला भी बढ़ते चले जाते हैं मार्गी गति के अंदर, ठीक है ना। इसी तरह से 3 4 3 कला और 4 विकला है ना, है ना, इस तरह से इनके लिखे हुए रहते हैं, ठीक है ना, लिखे हुए रहते हैं 3। तो ये ग्रहों की गतियां हैं, क्या है, ग्रहों की गतियां हैं जो पंचांग में आपको लिखी हुई मिलती है, ग्रहों की गतियां। अब क्या करना है देखिए, है ना, अब इसको समझ लीजिए कि अब प्रोसेस क्या होती है, अब प्रोसेस किस तरह से करना है ग्रह स्पष्ट प्राप्त करने के लिए। तो देखिए गुणा करते समय है ना, गुणा अब ऋण चालन तो कर लिया आपने, और ऋण चालन करने के बाद जो हमें मान प्राप्त हुआ है वह मान क्या प्राप्त हुआ, 3 42 और 29, यह ऋण चालन के पश्चात हमें मान प्राप्त हुआ। ऋण चालन किस बात का ऋण चालन, तो पंक्ति आगे की थी और इष्टकाल पीछे का था, तो इष्टकाल के है ना, पंक्ति आगे की थी ना, तो पंक्ति के वार घटी पलों में से इष्टकाल के वार घटी पलों को हमने माइनस किया है ना, तो यह प्रक्रिया ऋण चालन हुई। अब देखिए क्या करना है कि प्रक्रिया यह करनी है हमको कि हम इसको क्या करेंगे कि गुणा करते समय एक एक अंक दाहिनी ओर बढ़ाकर, गुणा करते समय किसका गुणा, तो ऋण चालन में जो राशि प्राप्त हुई है उसका और ग्रहों की गति का गुणा है ना, और ग्रहों की गति का गुणा, यह गुणा करते समय एक एक अंक दाहिनी ओर बढ़ाकर रखते जाएंगे हम, और सब कलादि को हम उसमें क्रमशः जोड़ते जाएंगे, फिर सब अंकों में 60 का भाग देते हैं और लब्धि को बाईं ओर की संख्या में जोड़ने से अंशादि फल प्राप्त होते हैं। अब इस प्रक्रिया को विस्तार से करके हम ग्रह स्पष्ट का साधन करेंगे, है ना। तो प्रारंभ में सूर्य साधन, मंगल साधन, बुध साधन, गुरु साधन, शुक्र साधन, शनि साधन, राहु साधन और केतु साधन, ठीक है। तो कल की क्लास में हम सूर्य साधन की चर्चा करेंगे, सूर्य ग्रह के स्पष्ट मान को निकालेंगे, इस प्रक्रिया को फॉलो करके हम सूर्य ग्रह के स्पष्ट मान को निकालते हैं, उसकी पूरी विस्तृत विवेचना हम बोर्ड के ऊपर करके उसके ग्रह स्पष्ट निकाल कर बताएंगे आपको, ठीक है ना। अभी आज ओवर करते हैं।
और भाई।